देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें एवन टीवी न्यूज साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन केंद्र सरकार ने अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की और साथ ही पाकिस्तान समर्थक संगठन जमात इस्लामी के खिलाफ उचित कार्रवाई की है जिससे मद्देनजर यहाँ अटकलें अब तेज हो गई है पुलिस इस अचानक तैनाती के लिए विशिष्ट कारण बताने से बचती रही है तो वहीं इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अनुच्छेद को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई होनी है है ऐसे में पूरी में पूरी घाटी अटकलें तेज है कि क्या केंद्र सरकार अध्यादेश के माध्यम से इसे हटाने जा रही है पुलवामा हमले के बाद भारत पाक तनाव के बीच सुरक्षा बलों की करीब सौ से ज्यादा टुकड़ियां भेजी गई जम्मू कश्मीर में लोगों को दवाई और जरूरी सामान घर में जमा करके रखने को कहा गया जम्मू कश्मीर में पेट्रोल पंपों के लिए भी आदेश जारी हुए हैं और साथ ही प्राइवेट गाड़ियों के लिए तीन लीटर पेट्रोल और दस लीटर डीजल की सीमा भी निर्धारित की गई इससे पहले घाटी में करीब 200 से ज्यादा अलगाववादी नेता हिरासत में लिए गए इन अलगाववादी नेताओं को कश्मीर घाटी के बाहर की जेलों में भेजा जा सकता है